हाय फ्रेंड्स, मैं आम सूर्य हूँ। आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड को एक महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी सिनेमा जगत में सरगर्मियां बनी हुई है। कई दिनों से मैं इसके बारे में कोई अपडेट नहीं दे रहा हूँ और इस टॉपिक के बारे में। चलिए मैं आपको बताता हूँ लेटेस्ट अपडेट क्या है। आदित्य चोपड़ा जो वाइरफ के हेड है, यानी कि यशराज फिल्म्स के, उनको गौरतलब किया गया। उनको बुलावा भेजा मुंबई पुलिस ने और मुंबई पुलिस ने उनसे लगभग 4 घंटा पूछताछ की। और 4 घंटा पूछताछ में ऑफकोर्स हर एक एंगल के बारे में पूछताछ की होगी। अगर आपको याद होगा तो यशराज की ही जो यशराज फिल्म्स की जो मैनेजर है, यानी कि कास्टिंग डायरेक्टर ही आप इसे पकड़ लीजिए, शानू शर्मा, कास्टिंग मैनेजर, तो शानू शर्मा के साथ ऑलरेडी जो मुंबई पुलिस है उन्होंने पूछताछ की थी। और अब मुंबई पुलिस ने उनके जो हेड है आदित्य चोपड़ा के साथ पूछताछ की। और अब ये देखना होगा कि क्या चीजें सामने निकल के आती है। अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद दिला दूं, 2013 में सुशांत सिंह राजपूत ने शुद्ध देसी रोमांस नाम की फिल्म की थी वाइरफ बैनर के अंडर, और 2015 में डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। और इसके पहले मुंबई पुलिस ने जो कॉन्टेक्ट कॉपी थी सुशांत सिंह के साथ जो साइन करवाई गई थी वाइरफ द्वारा, वो भी मंगाई गई थी। तो अब मेरे ख्याल से सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या 3 फिल्म की डील थी या 2 फिल्म की डील थी, और बहुत सारे सवाल होंगे मेरे ख्याल से। मुंबई पुलिस अगर अभी भी सबूत जुटाने में लगी है, इसका मतलब साफ है कि दाल में शायद कहीं कुछ काला है। अगर दाल में कुछ काला है तो मुंबई पुलिस उसे जरूर खंगाल के ही रहेगी। इवन उनकी जो गर्लफ्रेंड है रेहा चक्रवर्ती, उन्होंने भी साफ साफ कहा कि उन्हें भी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन चाहिए इस केस में, और ऊपर से सीबीआई इन्वेस्टिगेशन तो बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मुझे खुशी है मुंबई पुलिस अपनी खून पसीना लगाकर इस केस में अभी भी जान फूंकी हुई है, और जो भी चीजें हो वो पब्लिक के सामने आना बहुत जरूरी है।